स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज हब तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस जिसका एग्जाम अभी होने वाला है उसका सलेबस तो चलिए जल्दी से एक बार सिलेबस को देख लेते हैं जैसे कि आपको पता है कि वन ट्वेंटी मार्क्स का एग्जाम है और दो घंटे इसका टाइम होगा तो आगे इसका जो डिटेल सलेबस है उसको हम देखते हैं सबसे पहले बात करें अगर हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के तो इसमें आपको आएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन डिवीजनस ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेमोग्राफी सेंस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इन्वामेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी उसके बाद जे एंड के यू की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आएगा हिस्ट्री इकोनॉमी जोग्राफी जिसमें वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स रिवर्स लेक्स फ्लोरा फाउना आपको सब कुछ पढ़ना है हेरिटेज एंड कल्चर होगा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशनस होगा उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका जे एंड के रीआर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड जिसको कि इन्होंने अलग से बताया है तो इट मीन्स कि इसको जो है आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ये सब जो पोर्शन है आपका थर्टी मार्क्स का होगा नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे तो अकाउंटेंसी में जो है आपका वो एग्ज़ाम आपका होगा थर्टी मार्क्स इसमें भी क्वेश्चंस जो है आपके थर्टी मार्क्स के होंगे मतलब अकाउंटेंसी पोर्शन तीस मार्क्स का है इसमें पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स दूसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल्स वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग फोर्थ है बैंक री स्टेटमेंट देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट पार्टनरशिप अकाउंट्स लेजर अकाउंट कैश बुक फाइनेंशियल ऑडिट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग उसके बाद है आपका ट्रायल बैलेंस फिर है ट्रेडिंग अकाउंट आगे आपका आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम देन इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम टैक्सेशन टैक्स लॉज जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आपको पढ़ने हैं कॉस्ट मैनेजमेंट जिसमें आपको बजटरी कंट्रोल पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग है और डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग है ये आपको सब कुछ जो है ये टॉपिक्स जो है आपको छोड़ने नहीं है इनको सबको आपको एटलीस्ट टच करना तो है सभी चीज़ों को आपको ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए आपको जो जो यहाँ पे लिख रखे हैं अब नेक्स्ट आता है इंग्लिश जिसमें कि आपको टेन मार्क्स की इंग्लिश है जिसमें आपके टेंस है ठीक है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पढ़ना है रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस सेंटेंस कुछ आपको जंबल करके दिए हैं आपको एक सेंटेंस बनाना है उसको नरेशन है मोडल्स हैं आर्टिकल्स हैं उसके बाद आप क्या है कॉम्प्रीहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद मतलब आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया जाएगा जिसमें आपको फिलअप फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो देंगे जिसमें आपको फेजिस प्रोनाउंस और होमोनिम्स या होमोफोन्स जो हैं वो फिल करने हैं उसके बाद आते हैं आपके क्लाउजिज़ फिर सनोनियम एंड टोनियम आएंगे पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज़ इन मीनिंग फुल सेंटेंसेज ठीक है आर्डम एंड फेजिज आएंगे यूजिज ऑफ प्रिपोजिशन आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा ठीक है ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश में कवर होंगी बात करते हैं स्टैटिक्स की जिसमें आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आता है मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी डाटा आएगा प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज आएगा टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगा थ्योरी ऑफ़ प्रोबेबिलिटी आएगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स आएगा बेसिक कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन जो हैं वो सब पढ़ने हैं आपको थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स आएगा जिसमें आपको टेक्स्ट ऑफ इंडेक्स नंबर होल सेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये पढ़ना है फिर आपको आएगा डेमोग्राफी में सेंसिस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस ठीक है उसके बाद आएगा, आएगा आपको वाइटल स्टेटिक्स जिसमें आपको मेजर ऑफ फर्टिलिटी क्रूड फर्टिलिटी रेट स्पेशल फर्टिलिटी रेट ग्रॉस एंड नेट प्रोडिप्रोडक्शन रेट और मेजर ऑफ मोटेलिटी ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक पोर्शन में जिसमें कि आपका टेन मार्क्स का है इसमें आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स पढ़ना है परमोटेशन कम्बिनेशन और बाइनोमल थ्योरीज पढ़नी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना है सेट थ्योरी बेसिक कंसेप्ट और एप्लीकेशंस पढ़ना है सेट थ्योरी का रिलेशन फंक्शन पढ़ना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट पढ़ना है प्रोबेबिलिटी पढ़ना है कोऑर्डिनेट एंड थ्री ज्योमेट्री पढ़ना है एंड वैक्टर्स पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको मैथ्स में कवर करने हैं उसके बाद आता है आपका जनरल इकोनॉमी इकोनॉमिक्स ठीक है इकोनॉमिक्स आपको टेन मार्क्स की आने वाली है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स देखने हैं फिशल मोनिटरी पॉलिसी मीनिंग स्कोप और मैथडोलॉजी क्या है इनके थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इन डिफरेंट कर्व टेक्निक पढ़ना है डिमांड एनालिसिस पढ़ना है फैक्टर प्राइजिंग जो है इसमें आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट उसके बाद आपको प्राइजिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट करैक्ट्रिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकनॉमिक करेक्ट्रिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी प्लानिंग वर्स इज मार्केट इकोनॉमी इकनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी रोल ऑफ आर बी आई इसके बाद आपका आता है जनरल साइंस का पोर्शन जिसमें भी आप जिसमें कि आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मास वेट एसलेशन विलोसिटी स्पीड सब पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट पावर एनर्जी वोल्टेज सब थर्ड में आता है आपका केमिकल इक्वेशन और उसकी टाइप्स metals non metal physical and chemical properties and various sources of energy conservation of con conventional source of energy biomass and wind energy non conventional source of energy solar tidal energy nutrients and its types respiration transportation of water food and minerals in plants communicable and non communicable disease vitamins disease later to vitamin deficiency ecosystem its component food chain food web environmental pollution ozone layer depletion greenhouse इफ़ेक्ट्स उसके बाद आता है कंप्यूटर कंप्यूटर में आपको बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट एंड ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज ऑफ़ एम एस वर्ड एम एस एक्सल एम एस 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 एम एस पावर पॉइंट पी डी एफ इंटरनेट एंड ई मेल कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटी वायरस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर सीपीयू, पेरिफेरल्स, स्टोरेज मीडिया सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेफिनेशंस, रोल्स एंड कैटेगरीज फिमवेयर एंड ह्यूमनवेयर नेक्स्ट लास्ट में जो आपका आता है रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस तो ये आपका सिलेबस है तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिवीजन। आने वाली वीडियोस आप देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा धन्यवाद